देख सकते हो आप कितने सारे बर्तन है, सारी मेरी ड्यूटी है, क्योंकि पेरे का भांजा है वो ना थोड़ा उल्टा दिमाग का है, वो काम वाम नहीं करता, ठीक है आप जानते हो उसको अच्छे से। और बाकी क्या ही बोलना, और आप देख सकते हो मैं कितना मेहनती बनता हूँ, यहाँ तक पोर्ट भी मैं साफ करता हूँ, आज तक किसी ने साफ नहीं करा, क्योंकि अगली बार जो पोर्ट है ना वो दिव्या ने, मतलब दिव्या दीवान से जो है पेरे का भांजा, तो भांजा मेरा भी है बट आप जानते हो उसको पेरे के भांजे के नाम, ठीक है। तो उससे ना अगली बार मैं क्या करूंगा, पोर्ट ना अच्छे से जीप से साफ करूंगा, अभी देखना उसके कैसे लंका लगाता हूँ, थोड़ी देर में पहले मैं बर्तन धो लेता हूँ, क्योंकि वॉश बेसिन दिखाना है एक बार, ये वॉश बेसिन देख सकते हो, अभी उसने ना मेरे से 1000 रुपए की शर्त लगाई है, ये ना ये वॉश बेसिन चाट के साफ करेगा, अभी थोड़ी देर में उसने चटवा दी है। मुन्नु देखो आराम से यहाँ पे खेलने लग दी है, और ये ना मेरी शूट की लाइट है, मतलब जितनी भी शूट की लाइट है मेरी, ये सारी इधर रखी है, ये वाली एक, ये वाली ये फ्लैप वाली मैंने अभी नई ली थी थोड़े टाइम पहले जब मैं स्टोरीज वगैरह कर रहा था, तो ये थी एक दिखाता हूँ, सारा आज पूरे घर में चल गया रहे, ये देखो मैं ब्लॉग मत बनाया कर, समझ गया, ब्लॉग नहीं बना रहा, तुम बीच में क्यों आ रहे, मैं बीच में आ रहा हूँ, कौन बीच में आ रहे, खुद बीच में आते, उसको बोलते हो इधर साफ सफाई चल रही है, देखो ओए अच्छे से करो किराएदार, ये देखो दोनों के दोनों काम करने लग रहे हैं, पहले मालिक हो रहा है तू खुद, मैंने बोला वो अभी तो फिलहाल मैंने बोला था ना, ये देखो इधर साफ सफाई चल रही है हल्की पुल्की, कोई बात नहीं इनको साफ सफाई करने दो, अपन इनको बाद में दिया पूरा प्रॉपर साफ होने के बाद, फिर बीच में आ रही है फिर। सो गाइस ये देखो सब सब्जी वगैरह तो प्रिया सबके लिए बनाती है, बट वो ना मेरे लिए खाना वाना नहीं बनाती, ये देख नाम लेते आ गई आपके बीच में, फिर कही मुझे ब्लॉग के बीच में ले रहे, तो मेरे लिए रोटी सिर्फ आप भी बनाती है, आप भी बनाती है मेरे लिए, वो एक बहन भाई के लिए यही कर सकती है, मैंने सब ले लिया, तुमने मेरे बारे में क्या बोला क्या नहीं, बाकी गाइस कोई बात नहीं, जो कल है ना सुबह उठते ब्लॉग ब्लॉग बनाएंगे थोड़ा सा, तो कल ही ब्लॉग का एंड कर दूंगा, मैं आपको कल ही देखने के, मतलब मैं लाइव ब्लॉग लेके आ रहा हूँ एक तरीके से बोला जाए तो, कि मैं जिस दिन बना रहा हूँ उसी दिन मैं पोस्ट कर देता हूँ, बाकी अब मैं धीरे धीरे थोड़ा इंप्रूवमेंट करूँगा, चैलेंजेस ब्लॉग लेके आऊँगा, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पर एफबी पेज पर भी फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी अब हम आपको मिलते हैं, क्या बोल रही तुझे, बाकी गाइस कोई बात नहीं अपन मिलते हैं आपको। सो गाइस आपको बता दूँ रात के कितने बजे हुए हैं, ये देखो रात के 3:29 हो रखे हैं, और मुन्नू ना अभी तक नहीं सो रही, मस्ती करने लगी है, आइयो इसको, ओए सो क्यों नहीं रही, ना ये दूध पी रही, बस पी रही है, इसको बार बार जाने लग रही है, बस मस्ती मजाक करने लगती है, फोन के लात मार दी, ये पूरी कोशिश कर रही है इसको दूध पिलाने की, बड़ी पी रही, मतलब समझ सकते हो शादी के बाद क्या हालत, बेबी होने के बाद क्या हालत हो गया आपको, क्या नहीं, बाकी अब देख अभी कितना टाइम हुआ 3:30, अब इसको कितने बजे से खिलाने की कोशिश कर रही है, कम से कम 12 बजे से खिलाने की कोशिश कर रही है, शादी में सिर्फ लड़कियों का हाल ही होता है, लड़कों का नहीं, क्योंकि ये तो आराम से घूम रहा है अपना, मजे कर रहा है, बिल्कुल मजे नहीं कर रहा, उसको खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस जब सो ही नहीं रही तब मैं क्या करूँ, मुन्नू सो जाना, सो क्यों नहीं जा रही है, बाकी गाइस कोई नहीं, जब तक ये सो नहीं जाती ना तब तक आपको इसी की ब्लॉग दिखाता रहूँगा मैं, फिर आपको दिखाऊंगा कितने कमारी की, कितने हम सोते हैं सो जाते हैं, कितने बजे तक उठते हैं, पूरा दिमाग खराब हो रखा, मतलब थकावट इतनी हो रही है, देखो पूरा पूरा घर ना चका चौंक कर रखा है, चमका चमको के, उसके बावजूद भी मुन्नू नहीं सो रही है, तो आपको हमें ना थोड़ी देर में मिलते हैं, अगर सोने की इसकी तैयारी कर लेते हैं पहले से, तो गाइस आपको बता दूँ रात के कितने बजे हुए हैं, ये देखो रात के 3:29 हो रखे हैं, और मुन्नू ना अभी तक नहीं सो रही, मस्ती करने लगी है, आइयो इसको, ओए सो क्यों नहीं रही, ना ये दूध पी रही, बस पी रही है, इसको बार बार जाने लग रही है, मस्ती मजाक करने लगती है, फोन के लात मार दी, ये पूरी कोशिश कर रही है इसको दूध पिलाने की, बड़ी पी रही, मतलब समझ सकते हो शादी के बाद क्या हालत, बेबी होने के बाद क्या हालत हो गया आपको, क्या नहीं, बाकी अब देख अभी कितना टाइम हुआ 3:30, अब उसको कितने बजे से खिलाने की कोशिश कर रही है, कम से कम 12 बजे से खिलाने की कोशिश कर रही है, शादी में सिर्फ लड़कियों का हाल ही होता है, लड़कों का नहीं, क्योंकि ये तो आराम से घूम रहा है अपना, मजे कर रहा है, बिल्कुल मजे नहीं कर रहा, उसको खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस जब सो ही नहीं रही तब मैं क्या करूँ, मुन्नू सो जाना,
सो क्यों नहीं जा रही है बे? तो बाकी गाइस कोई नहीं, जब तक ये सो नहीं जाती ना तब तक आपको इसी की ब्लॉग दिखाता रहूँगा मैं, क्योंकि आपको दिखाऊंगा कितने हमारी कितने हम सोते हैं, सो जाते हैं, कितने बजे तक उठते हैं, पूरा दिमाग खराब हो रखा, मतलब थकावट इतनी हो रही है, देखो पूरा पूरा घर में चका चुन कर रखा है, चमका चमको के उसके बावजूद भी मुन्नू नहीं सो रही है। तो आपको हमारा थोड़ी देर में मिलते हैं, अगले सोने की इसका तैयारी कर लेते हैं पहले से।